साथियों को हमारा नमस्कार। किसान भाई, मैं आज आ पहुंचा हूं मानसा पंजाब के अंदर में गोविंद एग्रीकल्चर वर्क्स कंपनी में। हमारे साथ मक्खन सिंह जी जुड़ रहे हैं और इनसे जानेंगे मशीनों के बारे में। तो नमस्कार सर, जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको एक अपना छोटा सा परिचय दीजिए। सर नमस्कार, पहले तो आपका जी सर गोविंद एग्रीकल्चर वर्क, पहले तो आपका स्वागत है सर आने का, ठीक है सर। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो सर मशीनें मैं आपकी देख पा रहा हूँ, अगर मैं मशीनों की बात करूँ, ये कौन सी मशीन है, इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाइयों को शॉर्ट में बताइए थोड़ा सा। सर कर्चा कटिंग मशीन है सर ये। जी कर्चा को मतलब कटिंग करती है फसल को जी। जो फसल होती है ना सर, उसको मतलब बारीक से जो जमीन में खड़ी होती है उसको कटिंग करता है, बारीक मतलब साइड में डालता है। कटिंग पुआल वगैरह होता है उसकी जो है नीचे से कटिंग कर देता है। हाँ जी सर जी। अगर मैं बात करूँ इसका जो गेयर बक्सा लगा हुआ है पूरा पीटीओ का पूरा, हाँ जी, इसकी क्या क्वालिटी देते हैं कंपनी? सर इसकी पूरी हैवी क्वालिटी होगी, हमारी फुल गारंटी होगी गेयरबॉक्स की सर, आपको कम फुल गारंटी मिलेगी, गेयरबॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली तो बात है सर, हमारा जो मशीन है सर, आप ये चैनल बॉडी मिलेगा आपको पूरा मोटा वाला जी। तो ये सर हम आमतौर पे देखते हैं ये लोग पतला देते हैं, पतला देते हैं, उससे हमारा होता है उसका पता क्या सर, अगर हैवी मटेरियल होगा ना सर तो मशीन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, मशीन को प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मशीन को मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। पूरा हैवी हमने हर चीज़ का हैवी मटेरियल है, देखो चैनल बॉडी फुल चैनल बॉडी है ठीक है सर, और इसको एंगल है सबसे मोटी वाला लगा रखी है ठीक है सर जी, जी। और जिसके ये पत्ती है मार्केट में आपको ये पतला नजर आएगा जी, जी, ये सभी यहाँ पे मटेरियल ये पतला लगा होगा, हमारा पूरा हैवी मटेरियल होगा जी। अगर देख सकते हैं, अगर मैं बात करना चाहूँ कि ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ये मशीन ऑपरेट होगा? ये लगभग सर 40 से 30 एचपी पे, 40 से 30 एचपी मतलब 50 30 से ऊपर जितना मर्जी जी। हाँ जी, अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ और भी जो मशीनें हैं यहाँ पे। अच्छा सर, ये जो पूरा अपना वेयर हाउस मुझे दिख रहा है, तो इसमें मशीनें अपना खुद ही बनाते हैं या कैसे होता है? सर खुद मैन्युफैक्चरर है सर हमारा, जो सभी पार्ट्स होंगे ना सभी पे हमारा ब्रांड का लोगो मतलब ब्रांड का नाम होगा सर। मशीनें मैं बनती हुई देख पा रहा हूँ यहाँ पे, ये मशीन बन रही है सर। लोहा वगैरह आपको एकदम पूरा नया लगाते हैं, मतलब ये नहीं पुराना, लोग कुछ जगहों पे मैं देखता हूँ लोहा कई बार ये हो जाता है, लोग पुराना लगा देते हैं और पेंट कर देते हैं। हमारा सर सारा कुछ नया मिलेगा। अच्छा, हमारा कोई भी पुराना नहीं है। अच्छा, सब जो भी हमारे जो ये प्रोडक्ट आता है जहाँ से नया हो के आता है, कहीं से हमारा पुराना बिल्कुल भी नहीं आता सर। चद्दर की क्वालिटी और जो कहने के बाद जर की बात रही, वो जर तो सर मान के चलो लग भी है, इस पर लगता ही है क्योंकि लोहा है ठीक है सर, जर तो लगते ही है ना। हाँ जी हाँ जी, पंजा कटिंग मल्टीक्रॉप, अच्छा मल्टीक्रॉप, मल्टीक्रॉप मशीन होती है सर ये। अच्छा अच्छा, इसकी इससे जो है हम कौन कौन सी फसलें जो है काट सकते हैं? अपना चना कटिंग, मूंग, उड़द हो गया, उड़द हो गया, ये मल्टीक्रॉप, सोयाबीन हो गई, हाँ ये सभी चीजें इससे कट जाएगा। तो पंजे का सर फायदा बहुत बढ़िया होता है। क्या पर्पज है जो पंजा लगा के रखा है? पंजा पता क्या होता है सर, पहले बेल्ट होता था ठीक है सर, बेल्ट का जो होता है ना सर, जो फसल कटिंग करता था चना उसका ना निकल निकल के गिर जाता साइड में, तो इसका पंजे का ये फायदा है ये वाइब्रेशन नहीं करती। अच्छा, वाइब्रेट नहीं करता। अच्छा, जैसे फसल तो बिल्कुल के अंदर आती है और पंजे से बाहर आ जाती है। हाँ बिल्कुल, आसान से ऐसे कर देता है, साइड में डालता है। और एक किसान को और फायदा होता है बेल्ट ये पटा ना हो तो, पता क्या पटा होता है ना सर, थोड़ा थोड़ा बिखेरता चला जाता है। अच्छा, और ये पंजा होता है ना एक जब ढेरी बना देता है। अच्छा, ढेरी बना, ढेरी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये ढेरी वहाँ पे लगा दे, वहाँ पे लगा दे, ऐसे करते हैं। एक चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, आमतौर पे हम कई जगहों पे ये देखते हैं कि ये इसकी जो क्वालिटी आप दिए हुए हैं ये बहुत हल्की दे देते हैं। नहीं सर, हमारी तो पूरी हैवी होगी यहाँ पे, ये देखो हैवी क्यों देते हैं सर, इसका हैवी पता क्या पता है सर, इसको ना बेल्ट को मतलब जो इनको करता है ना चलाता है ये पूरा हैवी, इसलिए बना रखा है ताकि बेल्ट की जो मशीन चले ना उसको दिक्कत ना आए चलने में, किसान को खेती में दिक्कत ना आए, रुक ना पाए। बात करूँ अगर इसके बारे में तो ये क्या चीजें दी गई है, इसका क्या पर्पज है? ये रील क्या का सर, रील बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें ना वो अभी तो वो वायर लगेंगी तार लोहे की, जब भी घूमता है ना सर। अच्छा, जो अच्छा, फसल खड़ी होती है। अच्छा, वो घूमता है, घूमते फसल को बीच में ले जाता है, बीच में लेने के बाद ये ब्लेड लगे हुए आप देख। अच्छा, ये कटिंग करता है ब्लेड। अच्छा सर, ब्लेड की क्वालिटी कैसी होती है? ब्लेड का सर 3 mm का ब्लेड होगा पूरा मोटा वाला, आप कहीं पता कर सकते हो, फोर्स का ब्लेड होगा सबसे मोटा वाला, हैवी ब्लेड होता है। इसकी जो गियर बॉक्स होती है उसकी क्वालिटी आप प्रोवाइड करते हो? उसकी फुल मतलब उसकी गारंटी होगी सर, फुल हमारी। पहली तो बात है सर, मशीन की 1 साल गारंटी होगी। हाँ, और जो गियर बॉक्स का उसकी आपको 2 साल गारंटी मिलेगी। 2 साल की गारंटी दे रहे हैं? हाँ जी सर, कोई नहीं देता है। नहीं नहीं सर, मतलब आप 2 साल की गारंटी दे रहे हैं? सर फुल गारंटी है सर। चैन वगैरह की क्या क्वालिटी थी, कोई टूटने फूटने का झंझट तो नहीं रहता सर? चैन तो सर आपने कंबाइन का नाम सुना होगा ना सर जी, कंबाइन होती है बड़ी वाली जी, उसकी चैन है सर इसके अंदर। अच्छा, उसकी चैन इसमें डालते हैं हम। एक चीज सर हम और जानना आप चाहेंगे, यहाँ जो बैरिंग वगैरह की क्वालिटी देते हैं, वो बैरिंग वगैरह की क्वालिटी क्या होती है? सब पहले तो बता दूं सर, हर चीज की क्वालिटी होगी हमारे, जो भी प्रोडक्ट होंगे सब
जो भी हमारे होते हैं सर मैन्युफैक्चरर खुद तैयार करते हैं मशीन को। अच्छा। जो पार्ट्स हैं अकेले के लिए तैयार करते हैं, कोई बाहर से लोकल मशीन मतलब पार्ट्स वगैरह नहीं लेके आता, ठीक है सर। और इसकी गारंटी होती सब आपको बता दिए, पूरे रीपर गारंटी होगी सर एक साल की। और जो गियर बॉक्स है, मैं जानना चाहता हूँ, एक तो सर धान और गेहूं का जो सीजन रहता है, हाँ जी, पांच पट्टे वाला आता है काटने का, हाँ जी, उसका क्या सिस्टम होता है उसके बारे में थोड़ा, उसके बारे में बताते हैं। चल आपको बताते हैं सर, वो जो फोर बेल्ट होता है ना सर, फोर बेल्ट वाली मशीन होती है, जो वो पांच फुट दस फुट तक के हाइट फसल काटता है, ठीक है सर। वो मल्टी क्रॉप धान गेहूं सरसों सोयाबीन मक्का बाजरा मल्टी क्रॉप ऑल मल्टी क्रॉप मशीन होती है। अगर आपने 12 फुट तक की फसल काटनी उसके लिए फिर आपको मतलब पांच बेल्ट वाली मशीन लेनी होती है। अच्छा, यहाँ पे मिल जाएगी सर? मिल जाएगी सर, वीडियो में चल रही है वही मशीन। हाँ वही मशीन है जो वीडियो में देख पा रहे हैं आप। अच्छा सर, सारी बातें हो गई, फैक्ट्री हमने अपने किसान भाइयों को घुमा दिया, जेन्युइन चीजें हैं, फैक्ट्री दिखाइए थोड़ा सा। और हमें ये बताइए कि अगर हमारा कोई किसान भी मंगवाना चाहता है तो वो कैसे मंगवा सकता है? तो सर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी नंबर मिल जाएंगे सर, उस पर संपर्क कर सकते हो, उस पर कॉल करो, साथ साथ आपको मशीन डिलीवरी होगी। यहाँ कोई आना चाहता है तो यहाँ भी आ सकते हो, वहाँ पे बैठे बुकिंग भी करा सकते हो सर। बुकिंग भी करवा सकते हो? हाँ, बुकिंग का बुकिंग अमाउंट सर 15,000 रुपये होता है, पहले आपको बुकिंग बुकिंग करवाने के लिए 15,000 होता है, ठीक है सर। और बाकी के पेमेंट तब देना होता है जब मशीन आपको डिस्ट्रिक्ट में डिलीवरी हो जाती है। तो सर ट्रांसपोर्ट से मशीन आती है, ट्रांसपोर्ट का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है सर जी। तो सर आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो किसान भाई, जैसा कि ये भैया है मक्खन सिंह जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी, मशीनें जो है काफ़ी बेहतरीन है और फैक्ट्री जो है जेन्युइन है, जो काम करते हैं सर बहुत अच्छा करते हैं जी। और आप देख रहे हैं किसान भाइयों, और पूरा वेयरहाउस यहाँ पे पूरा बना रखा है और गोविंद के नाम से रजिस्टर्ड है और काफी जबरदस्त तरीके की मशीनें हैं, मैन्युफैक्चरर हैं खुद के ये किसान भाइयों। किसान भाइयों मंगवाना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। और किसान भाई अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं भैया के द्वारा मेरे द्वारा दीजिए जानकारी आपको कैसी लगी है। मिलूंगा फिर से एक नई और अच्छी वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।